Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are having a wonderful time, just like me. So, ऐसा है कि अब जो है हमारा राइड शुरू हो रहा है, दो दिन के बाद राइड शुरू हो रहा है. So basically मुझे जो है दो तीन सामान पिक करना है. एक तो मेरा इंटरसेप्टर आ रहा था, उसके वजह से एक जो है मैग्नेटिक वाला टैंक बैग खरीदना है, एंड दूसरा है एक सैडल बैग, उसके लिए लेना है. सो ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली लेना है. उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक जैकेट भी लूँ, एक टूरिंग वाला जैकेट भी लेना है. सो चलते हैं फिर राम के स्टोर पे. आप ये आ गया हमारा राम का स्टोर. सो यार दिस टाइम आई एम एक्चुअली राइडिंग विद रॉयल एनफील्ड. कहाँ जा रहा हूँ? जी हाँ, चिकमंगलूर जा रहा हूँ. इट्स अ फोर डेज राइड. सो बेसिकली दिस इज अ ऑफ रोड राइड, मतलब ऑफ रोड ट्रेल वाला वीडियो आप देखोगे. एंड बाइक कौन सा मैं चला रहा हूँ? जी हाँ, रॉयल एनफील्ड के साथ जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड ही चलाऊंगा. लेकिन एग्जैक्टली कौन सा बाइक है वो आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो पे. और जी हाँ, ये मेरी इंटरसेप्टर तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मेरा जो इंटरसेप्टर है उसकी डिलीवरी 17th of March होगा. और डेफिनेटली जब डिलीवरी होगा आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप लोग बैंगलोर से हो तो आप लोग भी आ सकते हो डिलीवरी के लिए. वो मैं डिटेल्स डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे. सो अब फिलहाल जो है हम लोग चलते हैं राम के स्टोर पे एंड कुछ गियर्स पिक करते हैं, बिकॉज डे आफ्टर टुमारो इज़ माई राइड एक्चुअली. सो ये आगे हम लोग मोटो आर्मर वाइट फील्ड में स्टोर है, आप लोगों को पता होगा. सो या हियर, सो देयर इज राम. तो वही है राम, राइड है, चिकमंगलूर का राइड है एंड बैक टू बैक है एक्चुअली. वो हो जाएगा, होने के बाद शायद नॉर्थ ईस्ट का भी राइड है, तो उसके लिए कुछ सामान पिक करना है. Can always come. You don't have time, man. We have time. You can always come. So ठीक है. So Ram, वो जो वो gloves आपको बोला था ना रखने के लिए मेरे लिए last time. It's a good gloves. वो वाला मुझे चाहिए. So last time actually एक gloves देखा था. मुझे क्या है, मेरा ये problem है कि मुझे जो है खाली Rhinox gloves जो है size होता है, and especially मैं use करता हूँ Rhinox सिल्ड प्रो. अगर आप देखे होगे तो मेरे सारे के सारे वीडियोस में वही है. इनफैक्ट मैं जब K2K कर रहा था तब मेरा वो ग्लव्स चोरी भी हो गया था. चोरी क्या मतलब, खो गया बेसिकली. उसके बाद मैंने फिर दोबारा वही खरीदा था. अब मैंने लास्ट टाइम जब राम के स्टोर पे आया था तो एक मैंने राइनॉक्स का बहुत अच्छा ग्लव्स देखा था. राम वो क्या सीरीज था, वो व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स द डेल्टा इवो. या डेल्टा इवो. सो दैट वाज एक्चुअली लुकिंग फैबुलस. सो वो मैंने बोला था मेरे साइज पे रखने के लिए. स्मॉल साइज में यूज करता हूँ और बहुत सारे कंपनियों का ग्लव्स मेरे हाथ को होता नहीं है, क्योंकि फिंगर्स शॉर्ट है और ये पाम थोड़ा वाइड है इसके वजह से. सो या हियर इट इज. आई थिंक राम इज ऑल्सो डजन हैव मोर स्टॉक, मतलब बहुत कम स्टॉक है इसका. लेकिन लुक एट दिस ग्लव्स, बहुत ब्यूटीफुल है. फुल लेदर है बट शॉर्ट ग्लव्स है. मुझे थोड़ा बड़ा साइज का जो फुल गॉन्टलेट का जो ग्लव्स रहता है थोड़ा सा मुझे अनइजी लगता है यूज़ करने में, तो इसलिए मैं हमेशा ये शॉर्ट ग्लव्स पहनता हूँ. और ये एक्चुअली बहुत प्रीमियम है एंड इसका एक बड़ा सा एडवांटेज आपको बताता हूँ. ये मेरे ख्याल से पहला वाला ग्लव्स है जो मैंने देखा है जिसमें ये नॉक्स की यहाँ पे छोटा सा आप देख सकते हो छोटा सा आर्मर है. सो दिस इज़ फ्रॉम नॉक्स. नॉक्स हम लोगों को पता है राइनॉक्स का जनरली प्रोडक्ट्स पे सब अच्छे क्वालिटी की आर्मर्स रहता है. ऑब्वियसली मैं तो जनरली राइनॉक्स की बहुत फ़ैन ब्रांड हूँ. आप लोगों को भी पता होगा जब भी कोई आप लोग पूछते हो मुझे कि कौन सा राइडिंग जैकेट खरीदना है, पैंट खरीदना है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप राइनॉक्स का ही ले लो, क्योंकि क्वालिटी है. सही है. ओके, तो इंटरसेप्टर के लिए जो है हम लोग एक टैंक बैग लेंगे एंड एक मुझे सैडल बैग भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रिप्स भी है. अभी ये वाले जो राइड में उसमें शायद यूज़ नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और जो मैं नेपाल की जो फिर से राइड प्लान कर रहा हूँ और कुछ और राइड प्लान्स है उसमें हम लोगों को ज़रूरत होगा. हाँ, तो एक मैग्नेटिक वाला टैंक बैग लेंगे, क्योंकि इंटरसेप्टर पे मेटालिक टैंक है. पहले डोमिनर यूज़ करते थे और जितने भी गाड़ियाँ था सब प्लास्टिक टैंक था, ड्यूक पे भी था. ये वो टैंक बैग है जो मैं लूँगा. ये राइनॉक्स की नया टैंक बैग है. इससे पहले भी मेरे पास राइनॉक्स हुआ करता था. वो मॉडल का नाम था ऑप्टिमस एम. ऑप्टिमस एम मतलब
टैंक बैग का मॉडल का नाम ऑप्टिमस था और एम मतलब मैग्नेटिक था, उसका भी रिव्यू है मेरे चैनल पे एंड दैट वाज द फर्स्ट वीडियो विच आई मेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, फर्स्ट रिव्यू वीडियो, सो वो है। अब ये जो बैग है इसको बोलते हैं मैग्नापॉड और लगभग सेम एज ऑप्टिमस। थोड़ी सी आप देखोगे अगर फैब्रिक थोड़ा डिज़ाइन ये सब चेंज हुआ है, काफ़ी रिजिड लग रहा है। और इसमें ये आप देख सकते हो कि इसमें इसका एक एडवांटेज ये है कि ये मैग्नेटिक मतलब मेटल टैंक पे भी लग जाएगा और नॉन मेटलिक टैंक पे भी लग जाएगा क्योंकि इसमें स्ट्रैप्स आता है, स्ट्रैप्स इसके अंदर है और इसमें ये जो है ये देखो ये चीज़ जो है ये मैग्नेट है। सो ऐसे मैग्नेट कितना है, ये एक और यहाँ पे भी निकलता है ऐसे टोटल जैसा है तो दो और ये तीन, ये चार एंड यहाँ पे एक पाँच, तो पाँच मैग्नेट्स है जिसको जो जो कि आपके टैंक के ऊपर बैठ जाएगा। एंड टॉप ऑफ दैट इस बैग की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली वो है ये कि आप ना ये बैग को बैकपैक जैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब आपका जो रेगुलर बैग रहता है ना, तो ये देखो ये दिया है क्लिप और ये क्लिप को आप यहाँ पे लगा लोगे एंड उसके बाद ये बैग को आप ऐसे बैकपैक के जैसे भी यूज़ कर सकते हो, सो वो भी एक एडवांटेज है। अंदर उसकी काफ़ी स्पेशियस है, एक्चुअली 20 लीटर का टैंक बैग है और आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। देखते हैं ये अंदर ऐसा स्पेस है, काफ़ी अच्छा कुशन भी दिया गया है एंड ये रेन कवर भी इसके साथ आता है एंड देन यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स ये सब रखने के लिए है, पेन रख सकते हो, यहाँ पे एक मोबाइल लगा सकते हो, मैप वैप GPS कुछ भी देखना है एंड देन साइड पॉकेट्स भी है, इसमें कुछ और सामान रख सकते हो। यहाँ पे भी एक नेट जैसा दिया है, इसमें शायद आपके ग्लव्स कभी कभी ऐसा टक कर सकते हो, तो वो है। सो ये हम लोग लेंगे एंड इसके अलावा जो है एक सैडल बैग मुझे लेना है इंटरसेप्टर पर जो बैठ जाएगा एंड मुझे वही लग रहा है कि शायद ये वाला हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द ड्राई स्टैक फ्रॉम राइनॉक्स। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये 100% वाटरप्रूफ है ना राम? Absolutely. और ये क्या है, बहुत बड़ा भी नहीं दिखता है, बहुत छोटा भी नहीं दिखता है, इट इज़ लाइक एक स्टैंडर्ड साइज़ है एंड इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो बात ये है कि ऐसे टाइप सैडल बैग जो होता है ना, आप अगर आपके पास पिलियन भी है तो पिलियन भी बैठ सकते हैं इसके साथ क्योंकि स्ट्रैप से कनेक्ट होता है दोनों साइड का, तो इसलिए पिलियन भी बैठ सकते हैं। एंड इसमें आप देख सकते हो कि ये ऐसा पोटली जैसा बन जाता है, मतलब आपका सैक रहता है ना वैसी है। तो इसके अंदर इसका कलर बहुत पसंद आ रहा है, इसमें अंदर वाला पूरा फ्लोरेसेंट कलर है। सो इसमें आप अपना सामान पूरा स्टफ कर दो एंड ये जो सामान है ये जो मटेरियल है ये वाटरप्रूफ है एंड देन आप इसको बस ऐसे करके घुमा लो, हो गया पूरा एयर टाइट हो जाएगा शायद एयर टाइट, तो इसमें और पानी जाने का और चांस ही नहीं है। देखो सही है राइट। सो ये आपका आ गया सैडल बैग, दोनों साइड पे दो आ जाएगा, कनेक्ट होता है ऐसे, यहाँ पे वेलक्रो वाला स्ट्रैप दिया गया है तो ये जो स्ट्रैप है हाँ ये कनेक्ट हो जाता है उस तरफ एंड देन बस आराम से लेके बिठा दीजिए गाड़ी के ऊपर। सो ये सैडल बैग हो गया, वो टैंक बैग हो गया, ग्लव्स तो पहले से ही मेरा यहाँ पे है एंड देन टूरिंग वाला जैकेट एक लेने वाले हैं। सो ये राइनॉक्स की स्टिल्थ इवो है एंड बता दूं मैं आपको कि इसके जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसमें ही आप मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, सच बोल रहा हूँ। और इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, एक तो ये कि आप जैसे ऑल वेदर हो गया, मतलब आपको सर्दियों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गर्मियों के लिए भी यहाँ पे ये बहुत सारे वेंट्स भी इसमें है ये ऐसे एंड देन टूरिंग जैकेट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि उसमें बहुत सारे पॉकेट्स रहते हैं और हम लोग आपको पता होगा कि अगर लॉन्ग राइड करते हो तो आपको बहुत सारे पॉकेट्स चाहिए एंड स्पेशली पॉकेट्स वैसा होना चाहिए जैसे ये ऊपर से फिल कर सकते हो ताकि अगर आप भूल भी गए जिप या कुछ लगाने के तब भी सामान जो है अंदर गिरा रहता है, मतलब गिरता नहीं है बाहर तो अंदर ही रहेगा। सो इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारा पॉकेट्स है एंड ये जैकेट की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि इसके ना ये फ्रंट में भी प्रोटेक्टर्स हैं, पीछे भी है, आगे भी है, ये सब जो रेगुलर जो प्रोटेक्टर्स रहता है वो भी है। सो काफ़ी सारे एडवांटेजेस है ना, विल ट्राई दिस जैकेट एंड इसमें जो साइज़ हम लोगों को बनेगा वो लेके जाएंगे। सो इसमें जो लाइनर आता है ना, ये वाला लाइनर जो है ये आपका थर्मल लाइनर हो गया एंड आप लोग पहले जो थर्मल लाइनर्स देखे होंगे वो डिफरेंट टाइप का रहता है, वो जैकेट के अंदर बस लग सकता है, लेकिन इसके एडवांटेज ये है कि आप इसको एक कोल्ड वेयर जैसे भी पहन सकते हो, मतलब खाली इस चीज़ को आप एक जैकेट जैसा पहन सकते हो क्योंकि इसमें जिप है, बस पहन लो और जिप उठा लो जैसे अपना रेगुलर जो ठंडा वाला जो कपड़ा रहता है ना वैसे ही आपके लिए वो एक थर्मल वाला जैकेट भी बन जाता है। अब मेरा ये जो राइड है जो अब एक दिन के बाद आ रहा है वो ये पूरा ऑफ रोड वाला राइड है, इसमें बहुत चांसेस है गिरने का क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जितना भी प्रैक्टिस करोगे सॉइल्ड और मतलब जो डस्टी और क्या बोलते हैं पत्थर वत्थर के ऊपर अगर आप चलाते हो तो गिरने का चांसेस ज़्यादा है, तो मैंने सोचा यार प्रोटेक्शन फ्रंट पर भी रहना चाहिए
और इसमें क्या है, और एक एडवांटेज आपको बताता हूँ, इसमें एक किडनी प्रोटेक्टर भी आता है, मतलब एक बेल्ट आता है बेसिकली, आप उसको पहनने से आपका ये सब एरिया भी प्रोटेक्ट हो जाता है, तो वो इसी में ही आता है, और कोई भी जैकेट में मैंने नहीं देखा आज तक। दिस इज अ लार्ज साइज आई एम ट्राइंग बिकॉज माय रेगुलर साइज इज लार्ज, यूजली मैं जैकेट्स पूरा लार्ज साइज में पहनता हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा ही लार्ज दिख रहा है, कुछ बड़ा ही दिख रहा है या बहुत लंबा दिख रहा है। आप देखते हैं सही है, so, थोड़ी सी स्नग फिट है। अब क्या है, फैमिली पैक बहुत जल्दी चेंज हो रहा है सिक्स पैक्स के लिए, वो आपको नहीं बताया ना, एक्चुअली 6 महीने का अभी डाइट प्लान वो सब चल रहा है, वो तो अलग बात है, अभी मैंने आइसक्रीम खा के आया, लेकिन चलेगा, लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों का सिक्स पैक आने वाला है। तो ये साइज़ एक्चुअली मेरे लिए बहुत सही है, मीडियम साइज़ एंड लेंथ पे भी देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, पूरा स्मार्ट दिख रहा है, पूरा फॉरेन में जो राइडिंग गियर्स रहता है ना वैसे ही दिखता है राइट। ये जैकेट पे मुझे मीडियम ही सही आ रहा है, एंड जैसे मैंने बता रहा था कि इसमें ना यहाँ पे आप देख सकते हो दो आर्मर्स है, यहाँ यहाँ, तो ये आपका चेस्ट प्रोटेक्ट करता है, इसमें यहाँ पे पीछे पॉकेट है जिसके अंदर ऑलरेडी अभी जो है रेन का जो लाइनर है, रेन लाइनर जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे है। डेफिनेटली ऐसे जैकेट से आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, तो गर्मियों के लिए यहाँ पे ये लोग जैसे यहाँ से आप ऐसा जिप खोल दो तो ये मेस है, इसके अंदर अच्छा ठंडा ठंडा हवा जाएगा, हाँ वहाँ पर भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है जिप खोलने से, ये भी है, पीछे भी है, तो काफ़ी सारा जगह पे है जहाँ पे आपका हवा जाएगा और आएगा। सो बहुत प्रैक्टिकल सी जैकेट है, प्रीमियम है डेफिनेटली, मतलब जितने भी जैकेट्स आपको मार्केट में मिलता है जो रेगुलर अपने इंडियन कंपनीज है उसमें देखने से प्रीमियम है, लेकिन क्वालिटी भी प्रीमियम है। अगर आप लोग कोई भी सिटी में हो जहाँ पे आपको राइनॉक्स की गियर्स मिलता है कोई स्टोर पे, तो आप वॉक इन कीजिए, करके देखिए, आपको डेफिनेटली ये जैकेट बहुत अच्छा पसंद आएगा। अगर आप लोगों के सिटी में स्टोर्स नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, राइनॉक्स गियर जो उनकी जो वेबसाइट है आप वहाँ पर जाके भी डायरेक्टली खरीद सकते हो, मैं लिंक यहाँ पे छाप दूंगा और जो है डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो राइडिंग गियर्स हो गया, अब जो है राइड की प्रिपरेशन होगा, कल प्रिपरेशन करेंगे, एंड करने के बाद परसों जो है मैं यहाँ से एक्चुअली आई लीव अराउंड 6 AM, सो आई हैव टू कैच अ कैब फ्रॉम हियर, एंड देन उसके बाद जो है मैं पहुँचूंगा चिकमंगलूर, फिर वहाँ से हम लोगों का 4 दिन का ऑफ रोड राइड है, तो डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ये सीरीज को डेफिनेटली फॉलो करो। सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हो, वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ कंपेयर टू यूट्यूब। चीयर्स गाइस, हैव अ ग्रेट डे।